तू अपने अस्थि पंजरों से रिया बिटिया को क्यों बोर कर रही है, हैं? लो लो नींबू पानी पियो। हाँ हाँ मैं निकल ही रही हूँ, रिया दी ने तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अच्छा? अभी आदि को मॉडल का डिजाइन बता के आती हूँ। थैंक यू आंटी। हाँ उसमें क्या है? हाय हाय। बस ये सामान यहाँ छोड़कर भाग गई। कौशल्या नाराज हो सवेरे वाली बात को लेके? अभी तक अब क्या करें, हम भी परेशान से थे, पर चलो ठीक है, अंगूठी तो मिल गई ना। नहीं मिलती तो इंतजार कर रहे, जब आपका नहीं मिलती तो फिर शिवम राघव श्रीवास्तव चोर है ना। कहाँ लेके जा रही हो बात को, ऐसा हम कहे क्या? बिल्कुल नहीं कहा, ऐसा हम सोच भी नहीं रहे। बिल्कुल ऐसे ही तो सोच रहे हैं आप, तलाशी आप नहीं ली ना। हो गई गलती, गुस्से में थे, तुम्हें बता नहीं सकते कितना अफसोस रहा है पूरे दिन भर जब से पता चला है। जताया अफसोस शिवम को, कंधे पे हाथ रख के गले लगाकर मां में माफ कर तो बोला उसे। उसकी बेगुनाही का सबूत चाहिए ना, उसकी आंखों में देख लेते ना एक बार, मेरे संस्कार है उसके, मेरा खून है वो। सब कहाँ है? कैसे काहे लगा के वो ऐसी गिरी हुई हरकत करेगा? सुनो कसले, हम करेंगे बात उससे, बिल्कुल जैसे तुम कह रही हो, कंधे पे हाथ रख के उससे माफी मांगेंगे हम। अब सुनो, रो 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 मत, हम कह रहे ना, अरे मांगेंगे माफी उससे भाई। हो गई बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई, आंटी आपने हमारे प्रोडक्ट्स यूज किए? अरे कहाँ, हम तो दिन रात रसोई में खटते रहते हैं ना, सब इतने नसीब वाले थोड़े होते हैं, कर लेंगे कर लेंगे। ये फिर आ गई, अब मम्मी फिर से बिठा देगी हमें इसके साथ। ओहो एक मिनट, हाँ हम अभी आते हैं। हाँ जी। हाय। हेलो, आज ना आप पालों में खड़े खड़े थक गए, फिर भी बहुत फट रहा है हमारा। उफ, काश कोई हमें हेड मसाज दे देता। प्लीज डोंट माइंड हर, अभी आते हैं। परी, जानती हो मैं बहुत अच्छी हेड मसाज देती हूँ। मेरे पापा है ना, वो जब भी काम से थक कर आते हैं ना, मुझे बुलाते हैं और कहते हैं कि हेड मसाज दे दे, तुम्हें दूँ? देखना तुम्हारी थकान चुटकी में चली जाएगी। ओहो इतनी बड़ा चढ़ा के अपनी तारीफ की जा रही है, अभी देखते हैं कितनी सच्चाई है इसकी बातों में। रुको, ये कहाँ चली गई? मैंने कुछ गलत कहा क्या? तू घर का ही नहीं आता अभी? हाँ हाँ वो यही है, तू आ जा घर, रखते हैं।
उस दिन सरला आंटी को बर्तन का डेमो दिखाने ले गई थी, तो आंटी बर्तन नहीं धुलाना चाह रही थी, और आज देखो घर में सबकी मालिश करा रही है। क्या कर रही हो आप? होने वाली बहू है आपकी। तो हम क्या कर रहे हैं? ऐसा होता है क्या? अभी बात पक्की हुई नहीं, रिश्ता पक्का हुआ नहीं, क्या तेल मालिश करने आई है क्या? वो यहाँ पे आपने लगा दिया उसको, ऐसा होता है क्या? हमने नहीं लगाया। अभी तो मेरी बात तो सुन, हमने कुछ नहीं लगाया, वो अपने आप कर रही है। क्या तेल मालिश करने लगी? हाँ, वो के लिए एक्सपर्ट है। हमारी बात कराओ ना आप क्या करवा रही? तुझे क्या मिल गया रही है? शांत रहना, अकेले में टाइम स्पेंड करना है ना थोड़ा उसके साथ। हाँ तो तू मुकाबला मत बनना, जान देगा क्या? तो बात कराओगी आप? हाँ तो जान देगा, शांत रह, कर रहे ना, चल। तो चलो। अरे सोनल आ गई तू? अच्छा ऐसा कर, तू जरा सामान समेट ले। हाँ जा, सामान समेट के अंदर जा। ठीक है। परी हो गया बेटा, चलो अभी जाके सिर धो लो। मम्मी जाओ सिर धो लो, जाओ जाओ ना। अच्छा आंटी मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं बेटा, तो वो शर्ट सिलवानी थी ना तुम्हें, है? तो वो टेलर मास्टर का फोन आया था, उन्होंने कहा था कि नाप ले, मेजरमेंट लेके और कलर बताते हैं। मेजरमेंट ठीक है। हाँ तो एक मिनट, हाँ एक मिनट। रिया तुम ऐसा करो कि अमित की शर्ट का मटर मैंच ले लो, हम अभी कुछ काम करके आते हैं। हाँ ये आंटी जल्दी से ले लो। अरे ऐसे कैसे भूल गई, आजकल बड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं ये लोग, काट देते हैं कनेक्शन। पर अब तक तो नहीं काटा कनेक्शन, तो बोल कर थोड़ी ना काटेंगे। मेरे एक कलीग ने बिल नहीं भरा था तो उसका नेक्स्ट डे कनेक्शन काट दिया। तो अब क्या करें? देख कल तो गेस्ट भी आ रहे शशिकला के। कल सुबह होते ही भर देंगे, तो पानी के कनेक्शन के साथ साथ हमारा नाक और गला दोनों कटेंगे। हम क्या मर गए? आप उसमें नोट कर लीजिए, हम नाप ले लेंगे। ठीक। नहीं आ, चालीस साहब, चेस्ट 40। देखने तो दीजिए ना। बताया मैं। चालीस। 20। शोल्डर। 20। शोल्डर। राइट शोल्डर। 36। सल हमारे राजा की काट के रानी रही। ओके मैं फिर से देख। अरे हाँ माँ बोलो। सला क्या कर रही है बिटिया? सब गुड़ गोबर होते हुए देख रहे हैं अम्मा। का? अरे कुछ नहीं अम्मा, तुम अपनी कहो। कल समय पे आ जाना, हाँ नहीं फिर फोन ना करना पड़े बार बार। हाँ हाँ आ जाएंगे अम्मा। और हम क्या कह रहे हैं, अगर पसंद आई लड़की ना तो कल ही अंगूठी पहना देंगे। क्या इतनी जल्दी का है अम्मा? ले तू काय रंग बदल रही है, हाँ उतावली तो तू है, फोटो लेके तू घूमती फिरती है, और हमें कह रही है? हमने कह दिया सो कह दिया, अगर सब कुछ ठीक लगा ना कल बात पक्की। हाँ ये लो ढूंढ ढूंढ के रिश्ते लाते हैं। हाँ मैं कहती हूँ उतावली बन। बाइसेप्स 15, बाइसेप्स लिखवा दिया है मैंने। तभी टूटेगा जब हमें ये पता चले कि रिया भी अमित को पसंद करती है। दो बटा दो कितना होता है बेटा? जी वो इतना भी नहीं मालूम तो नाप क्या लोगी? जाओ पहले घर जाके पता करो, बाद में आके हमें बता देना। हाँ ये हम कर लेंगे, चलो। अमित वो अमित जी हमारे कमरे की जो बत्ती है ना, सुनो हाँ। हमारे जो कमरे की बत्ती है ना हाँ। वो बार बार कभी जल रही है कभी बुझ रही है। अच्छा ठीक। अच्छा ठीक नहीं है, जाके देखना है, खराब है, जाओ देख कर आओ। पर मम्मी जाओ जाकर देख कर आओ, जाओ बेटा जाओ। चाप बहुत काम करता है घर का।
रिया तुम जरा बैठो बेटा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। देखो हम तो ना साफ बोलते हैं, हम ये जानते हैं कि तुम यहां हमारे बिटुआ के लिए आती हो। हम ये भी जानते हैं कि हमारा बिटुआ भी तुम्हें बहुत पसंद करता है। अब तुम हमें ये बताओ कि तुम उसे पसंद करती हो या नहीं। अरे ये बात तो जरा नजरे ऊपर करके बोलने वाली है, है? इतना शर्मा कह रही हो। अब तुम देखो हम तुम दोनों का रिश्ता कैसे पक्का करते हैं। अरे तुम तो शर्माए चले जा रही हो, है? अरे कुछ बात करो भाई। आंटी क्या बात करूं? आपका बेटा ना मुझसे बिल्कुल बात नहीं करता। कोई चिंता की बात नहीं, हम है ना करेगा, बिल्कुल करेगा। मामा मैं खोलती हूँ। हाँ हमारी अम्मा की फोटो है, पुरानी हो गई थी ना तो हमने फ्रेम बदलवाने के लिए दिया था। हमारे घर के सारे फैसले यही करती हैं और तुम्हारी शादी का फैसला भी इनकी मर्जी के बिना नहीं होगा। क्या हुआ, ऐसे अचानक खड़ी काहे हो गई? हमारी अम्मा की फोटो देख के घबरा गई का? हम जानते हैं तुम इनसे मिल चुकी हो। बैठ जाओ बेटा, बैठ बैठ, घबराओ मत ऐसे। हमें बताओ क्या हुआ था। जी आंटी वो हमारी नई चप्पल तोड़ दी। ई का पैसा कौन देगा, तुम्हारा बाप? सत्यानाश हो, तुम्हारे बाप ने तमीज नहीं सिखाई का, बड़े बुजुर्ग के साथ कैसे बर्ताव करते नहीं सिखाया का? देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारी अम्मा है ना उनका गुस्सा थोड़ा तेज है, अब इस उम्र में हो जाया करता है लोगों के साथ ऐसा, क्या करें। हमारी भाभी है ना उसका बर्ताव इतना बुरा है ना कि बस अम्मा अपना गुस्सा बाकी सबों पर उतार देती है, है? लेकिन घबराने की बात नहीं, तो मन की बुरी नहीं। सच्ची बताओ तो माफी तो मैं भी उनसे मांगना चाहती हूँ, पर कब और कैसे ये समझ नहीं आ रहा आंटी। अरे तुम चिंता मत करो बिल्कुल, वो हमारी जिम्मेवारी, तुम उनसे माफी मांग भी लोगी और वो माफ कर भी देंगी, कल ही। नहीं कल, कल नहीं, हाँ थोड़ा रुक जाओ बस, हा? जरा सा रुक जाओ। जी आ गया, देर हो गई आ जाने में। हाँ हाँ मैम थोड़ा काम था। कोई बात नहीं, आजा आजा, कुछ नहीं। कुछ डाला सुबह से पेट में है? खाली पेट होगा ना सुबह से, आजा बैठ जा। ये देख क्या बनाया है, तेरी मनपसंद सब्जी। चावल दू या रोटी? रोटी। हमें तो पहले से जानते थे कि तू ऐसा काम कर ही नहीं सकता, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पता था हमें। और पता है अंगूठी मिल गई किसमें मिली पता है? दाल में, दाल से निकली।
कॉफी। बंटी तुझे याद है वो खड़ूस दादी जो जो मार्केट में मिली थी मुझे? हाँ वो शिवम की नानी है। तो मतलब और सब लोग मान जाएंगे और नानी नहीं मानेगी तो कितना अजीब लगेगा यार। नानी को तो मनाना पड़ेगा किसी तरह से। पॉइंट है देख शिवम की मम्मी तो मानी हुई है अब बचे शिवम की नानी इनको कैसे पटाए और इनकी वजह से सारा मामला भी अटका हुआ और बेचारे पापा यार कितने होपफुल है वो शादी को लेके। एक बार ये नानी मान जाए फिर पापा को भी बता दूंगी शिवम के बारे में।